तो वही शुक्रवार की शाम राज्य शासन द्वारा की गई टाउनशिप में भी अब हाफ बिजली बिल का लाभ देने की घोषणा को पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनावी स्टंट बताया है। श्री पांडे ने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने पूरे 5 साल तक लोगों को गुमराह किया और चुनाव के आखिरी में 2 महीने का मात्र 2.5-3 करोड़ माफ कर देंगे और वाहवाही लेकर वे लड्डू खा रहे हैं। वो लड्डू ऐसे ही निकलेगा जैसे पिछले समय लीज के मामले में निकला था। 80 करोड़ रुपया की लूट इस सरकार के मुखिया और विधायक ने मिलके कर लिया और लड्डू इस बात का वो खा रहे हैं कि देखो हमने कैसा मूर्ख बनाया, पिछले 5 साल तक लोगों को गुमराह किया और आखिरी चुनाव के 2 महीने में 2 महीने का मात्र 2.5-3 करोड़ माफ कर देंगे और बाहवाही लेकर के वो लड्डू खा रहे हैं। कुछ लड्डू ऐसा दिखता है ना, पीला पीला होता है अंदर, लेकिन जो है पूरा भूरा भूरा निकल जाता है। वो लड्डू ऐसे ही निकलेगा जैसे पिछले समय लीज के मामले में निकला। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे ही जीती है और इसके प्रमाण 2 बार लगातार बीएसपी के लोगों को पता लगा। पिछले दिनों लीज के संबंध में जो उन्होंने घोषणा की थी वो अब सब जो है सारा स्थिति साफ हो गया और फिर ये लगातार झूठ बोल रहे थे। और मैं लगातार लोगों को इस बात के लिए आगाह करते आ रहा था कि ये फिर से झूठ बोल रहे हैं और ये देना नहीं चाहते और अब देने की मजबूरी हो गई क्योंकि चुनाव आ गया। हमारा पहला चरण लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उस दिन धरना आंदोलन होगा 12 बजे से 4 बजे तक। गवर्नमेंट जाए तो मैंने कहा ना कि विधायक जी जाएं और मुख्यमंत्री जी के अनुनय विनय जो भी करें, जैसे भी चाहे धरना दें वहाँ, चाहे जो भी करें, और वो एक आदेश रिवाइज करना है कि ये 1 सितंबर 2023 की जगह 1-3-2019 से लागू है, अपने आप ठीक हो जाएगा।